जी मुझको भी दिलवा दो माँ, धीम कहानी मुझको आज सुना दो माँ, नीली पगड़ी मुझको भी दिलवा दो माँ, धीम कहानी मुझको आज सुना दो माँ। ये उजली दुनिया भीम राव ने दिखलाई, पहले थी ये दुनिया बड़ी अंधेरी माँ, मुझको भी दिलवा दो माँ, कहानी मुझको आज सुना दो माँ, नीली पगड़ी मुझको भी दिलवा दो माँ, कहानी मुझको आज सुना दो माँ। साहब ने इतिहास रचे, इस दुनुवाल के पंजे से किस तरह बचे, मेरे बाबा साहब इतने ज्ञानी हो गए माँ, जो मेरे भारत का संविधान लिखे, वो एक अकेला क्यों सब पर भारी बाबा, क्यों ये सारी दुनिया पे फिर के दिलवा दो माँ, कहानी मुझको आज सुना दो माँ, नीली पगड़ी मुझको भी दिलवा दो माँ, कहानी मुझको आज सुना दो माँ। और बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, जब सारा मनुवाद हमारे खिलाफ था, हमको शिक्षा का, संपत्ति का और ज्ञान अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके बावजूद भीमराव में आके कैसी क्या ताकत थी, मेरे बाबा साहब में ऐसी क्या ताकत थी कि उन्होंने विश्व के अंदर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि भारत जो कि एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका संविधान बाबा साहब ने लिख दिया। किस तरह से अभावों में बाबा साहब ने अपने जीवन को जिया, कितने दुख दर्द झेले, माँ मुझे वो सारी बात आज तुम बताओ। और ये कहानी आप भी अपने बच्चों को जरूर सुनाना, किस तरह से कहा। थैंक यू। बच्चा बोला, मुझे बात बताओ सारी बाबा साहब की, नहीं टूटने वाली इनकी ताकत की, मुझे उनके सारे दर्द जख्म दिखलाओ माँ, मुझे सुना कहानी उन पे गुजरी आफत की, मुझे हर आंसू का उनके कर्ज चुकाना है, मुझे एक घटना तुम सबको सुनाओ माँ, पगड़ी मुझको भी दिलवा दो माँ, कहानी मुझको आज सुना दो माँ, मुझको भी दिलवा दो माँ, कहानी मुझको आज सुना दो माँ।